आदाब, मैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किशनगंज बिहार। एनएसयूआई कैंपेन स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स पे कुछ इस सरकार से आवेदन करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने अकलमंदी पे आप जरा ध्यान दें। आपने मार्च में जब 500 हिंदुस्तान में केसेस थे कोविड के, तो आपने पूरे हिंदुस्तान को बंद कर दिया। गरीब सफर हुए, हम सब जानते हैं। अब जब हर दिन 25,000 से ज्यादा नए केसेस आ रहे हैं और 8 लाख से ज्यादा लोग आपके आंकड़ों के हिसाब से इन्फेक्टेड हैं, तो क्या ये अकलमंदी है कि हमारे भविष्य, हमारे बच्चों को आप एग्जाम लेने के लिए एग्जामिनेशन हॉल भेजना चाहते हैं? और दूसरा, ये तो जग जाहिर है कि आप अमीरों की बात हमेशा करते हैं, आपने क्या किया कि वर्चुअल एग्जाम दे सकते हैं या इंटरनेट के जरिए आप एग्जाम दे सकते हैं? तो आप बताइए कि कितने तादाद में लोग हैं जो ये फैंसी हैंडफोन्स और इंटरनेट उपयोग कर पाते हैं या उनके पास है साधन इस्तेमाल करने का? तो इसलिए मेरी आग्रह है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और सरकार से कि ये एग्जाम ना लें और उन स्टूडेंट्स के जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसके तर्ज पे